कि बड़ी बेगैरत है ये दुनिया, हर बार तुझे डराएगी। बड़ी बेगैरत है ये दुनिया, हर बार तुझे डराएगी, लेकिन तू अपने इरादों पे कायम रहना। बड़ी बेगैरत है ये दुनिया, हर बार तुझे डराएगी, लेकिन अपने इरादों पे कायम रहना, और लाख आए मुश्किलें जिंदगी में, तू अपने हौसले को बनाए रखना। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज है ट्रिप का थर्ड डे एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सच पास। कल हमें जाना था बट हम जा नहीं पाए थे, तो इस वजह से आज जा रहे हैं। एंड अभी नहा धो के ऑल सेट और हम बैग पैक कर रहे हैं, बस ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। ऑलरेडी 8:30 हो गए ना, हाँ 8 या 8:30 के अराउंड हो चुके हैं। बस सामान वामान डाल दिया सारा। और भाई रात को यार ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया था, शाम को बस वही 5-6 बजे के अराउंड की वीडियो शूट हुई थी। उसके बाद थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी एंड मौसम भी थोड़ा अजीब सा हो गया था, तो इस वजह शूट कर नहीं पाए। पर कोई नहीं, आज सारी कसर पूरी कर देंगे, आज बढ़िया से शूट करेंगे। यहाँ से 2 घंटे दूर है सचपास, आई थिंक 26 या 27 किलोमीटर, एंड लग जाएंगे हमें 3 घंटे आराम से जाते हुए, बिकॉज हम आराम से शूट करते हुए चलेंगे। एंड आज हम जाएंगे सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए, थानेदार साहब पूरे दिन खाते रहते हो क्या? 4 परांठे अकेले पूरे दिन के लिए। मेरा भी ब्रेड सैंडविच, ब्रेड ऑमलेट ना, वो अभी आ रहे हैं, फिर बस निकलेंगे। तो अगर यार बस से अगर आप आना चाहते हो डलहौजी से इधर सच पास के लिए, तो ये वाली एक बस आती है सुबह डलहौजी 6 बजे चलती है, जो अभी इधर बैरागढ़ पहुँचे 9 बजे। सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया एंड आखिरी बार एक बार यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था वहाँ पे। अभी स्नो दिख नहीं रही है बिकॉज सन एंड ऑल वेदर भी ऐसा हो गया। तो हमने यहाँ स्टे किया था मन्नत गेस्ट हाउस एंड काफ़ी अच्छा है, मतलब बैरागढ़ में है, बैरागढ़ में आप आओ तो मन्नत गेस्ट हाउस में स्टे कर सकते हो, इट्स गुड अफोर्डेबल एंड रूम भी ऊपर काफ़ी अच्छे थे। तो रूम की कॉस्टिंग, सॉरी मैं रूम टूर करवाना भूल गया, रूम की कॉस्टिंग अच्छी थी, मतलब कि 1700 अराउंड में काफ़ी अच्छा रूम मिला था, सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी थी। तो यू कैन स्टे हियर। तो निकलते हैं अब हम बस सच पास के लिए, आई होप। अभी है हमें रानीकोट, भैरागढ़ से मतलब 10-15 मिनट दूर चले थे एंड काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, वो देख भाई, पता नहीं वो कौन सा है बट स्नो देख रहा है। और इधर ये फोटोशूट चल रहा है, किस जाए, अच्छा देखा कितनी मेहनत हो रही है फोटो लेने के लिए। देखा तुम्हारा भाई वीडियो बनाने में कितना रिस्क ले रहा है बाहर आके। तो भाई ये चौकी बनाई हुई है सच पास जाते हुए, बीच में पड़ती है, ये कालाबान हत्याकांड है 1992 में। यहाँ पे टेररिस्ट, मेरे को नहीं पता कौन सी कंट्री ने अटैक किया था, यहाँ पे 27 सोल्जर्स शहीद हुए थे एंड उसके उसमें ये चौकी बनाई है पूरा इसी जगह पे, 27 सोल्जर्स एंड आगे उनके नेम्स भी लिखे हुए हैं, ये देखो भाई, एक मिनट में जूम करके दिखाता हूँ, ये उनके नेम्स भी है एंड इधर एक बोर्ड भी है कालाबान हत्याकांड, वो मंदिर भी दिखता है वहाँ पे। तो ये मैं तो इसमें भी गिर भी जाता शायद, मैंने तो देखा नहीं था, क्योंकि चलो निकल लो इन पत्थर के, पत्थर के रह गया भाई यार। हाँ उस साइड से क्योंकि देख ऐसे टिके हुए हैं ना बिल्कुल उस पर, पत्थर पत्थर से बचाने के लिए क्या लगाया तूने दिखाइयो। ये हमारे छोटे सर कौन सा
एक दो तीन चार, चार वाटरफॉल, और मतलब दुनिया भर गया ऊपर से, मतलब इधर से भी इतने सारे वाटरफॉल हैं, और भाई अलग ही मजा है यार, आवाज़ ही अलग है बिल्कुल ही यहाँ के। ये देखो अब व्यू भाई, बिल्कुल भाई जन्नत है। चार महीने खुलता है यार ये ट्रैक, मतलब पास, सॉरी ट्रैक तो नहीं है सच, पास चार महीने खुलता है, बट डेफिनेटली यार वर्थ इट है। स्नो तो इतनी है इधर, बीच में 10-10 फीट की स्नो आई थी, और ये वाटरफॉल बहुत ही बढ़िया। देखो रिदान स्नो, बहुत सारी बर्फ है बाहर, आ जाओ, धूप आई है, ठंडी भी नहीं है अब तो, बर्फ है, स्नो है, स्नो, आ जाओ नीचे आओ, हैवी ड्राइवर बन रहा है। भाई यार इधर हो गया पंचर एक गाड़ी में, एंड उन भैया को स्टेपनी निकालने नहीं आती है कि कैसे क्या कुछ होता है, वो हमारे पास आया अभी कि हाँ स्टेपनी, हाउ टू रिमूव द स्टेपनी ऑफ इनोवा, तो हमारे थानेदार साहब गए हैं हेल्प करवाने। तो भाई जो भी गाड़ी लाओ यार, जो भी हो, अपने पूरा अच्छे से सीख वीख के आओ यार, क्योंकि बीच में कुछ भी हो सकता है भाई, इतना गंदा रास्ता है, इतना वो है, कुछ भी हो सकता है। पर हमारे साथ तो छोटू भाई हैं, गाड़ी हो गई बिल्कुल कारीगर। भाई साहब इतना ठंडा पानी आ रहा है यार यहाँ पे, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, पर अभी गाड़ी निकली है, गाड़ी इसके इधर से निकली है बिल्कुल, और ये देखो नज़ारे भाई, ये पुनसुंग वांगडू जब का इधर खड़ा है, पता ना भाई क्या करेगा, मैं पूछी भी एक बार, भाई ठीक है सब, बोल ही नहीं रहे कुछ, जब से खड़ा है जब से, बिल्कुल उधर उस पे है ये। हम तीनों की करते हैं ना, तीनों की, भाभी की खींचते ही ये देखो ओ भाई ठंड, पता नहीं मेरी आवाज़ ठीक से आ भी रही होगी या फिर नहीं आ रही होगी, हवा इतनी तेज़ चल रही है भाई, अभी बता रहा था ना वीडियो में कितनी ठंड थी, अब धूप आ गई है देखना इतनी प्यारी, एक सेकंड में मौसम बदल जाता है, पता नहीं लगता कि हाँ कैसे क्या करें। जब भी हम कल सुबह नहीं आए, कल 3 बजे जब पहुँचे थे तभी बारिश आ गई, तभी नहीं आए, और आज भी मेरे को लगता नहीं कि हम पहुँच पाएंगे, 8:30 के निकले हैं, 11:30 ऑलरेडी बज चुके हैं, देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं, ये लास्ट होगा शायद खाने पीने का। उधर ही थोड़ा बहुत खाली था शायद से, उतरूं दो दो आगे थार भी आगे, चल छोटे तू भी उतर। रोड इतनी छोटी है भाई, गाड़ी फंसी पड़ी है, बहुत ठंड, आ जा थार तो निकल जाएगी, थार में तो ना है दिक्कत, ये वो पत्थर है, एक मेन पत्थर है वो, निकल गए निकल गए निकल गए। फाइनली निकल गई, अब अपने निकालनी है, इस साइड मत लियो सीधा आंदे इधर, रेस दे रेस दे रेस दे, हाँ ये है ना मेन मंदिर, हाँ लिखा सच पास 4500 मीटर, 4500 मीटर कितना कितना होगा, पहुंच गया, यही तो है ये वाला मंदिर, बर्फ पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, सुनो बर्फ गिर रही है बोनट पे। ओ भाई ओ भाई ओ, थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल हो रही है यार,
सही में हल्के हल्के, बिल्कुल हल्के हल्के स्नोफॉल। और ये मेन मंदिर है, ऐसे नहीं दिखेगी, मोनट पे दिखेगी। ये देखो अभी दिखाता हूँ, थोड़ी 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 बर्फ। ये तो हाँ, आ रहा हूँ। मेरा ले ले एक बार, मेरा रखा है। हाँ तेरा ले ले, मेरा ले लेना एक बार भाई साहब। हल्की हल्की स्नोफॉल और इतनी ठंड, मजा ही आ गया भाई, पूरे हो गए भाई। इतना तो लेह लद्दाख में मुझे नहीं आए थे जितने इधर आ गए। तेरी कसम, लेह लद्दाख में आए थे तने इतने? हाँ हाँ, सीधी आ रही है देख। पता नहीं कैमरे में कैच हो पा रही, नहीं हो पा रही है, पर हाँ हाँ वो तो ऊपर वाला वो देखो भाई। खींच रहा हूँ एक सेकंड भाई, बर्फ यार। अच्छा सही कह रहा, मैंने भी लगा रखा है। हाँ उधर देखो, उस साइड देखो, उधर दिख रही है बर्फ भाई साहब। बहुत तगड़े वाला स्नोफॉल हो गया यहाँ पे। भाई एडवेंचर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हम आगे निकल रहे हैं जम्मू की तरफ। तो अभी डिसाइड कर रहे हैं कहाँ से जाएँ, वापस जाएँ या फिर आगे। पांगी वैली है, पांगी वैली यहाँ से है 40 किलोमीटर दूर आई थिंक सो। तो वहाँ से जाएँ, एक बार पूछते हैं फिर डिसाइड करते हैं। बहुत ठंडा है।